नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज पॉलिटिकल बाइट। मैं हूं आपके साथ आकाश त्रिवेदी। विपक्षी दलों की इन दिनों बैठक चल रही है। विपक्षी दलों की 26 लोगों की पार्टियों के एक साथ बैठक चल रही है बेंगलुरु में, जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब स्टैंड ले लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना बयान दिया है और बयान में वो कहते नजर आ रहे हैं कि ये वो पार्टियां हैं जो अपना घर पहले देखती हैं, देश बाद में। पहले अपना घर की जरूरतें पूरी करती हैं, भारत की जनता की जरूरतें बाद में पूरी करती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने बयान में कहा कि 2024 में अब जनता ने ठान लिया है कि फिर से केंद्र में आएगी तो भाजपा सरकार ही आएगी। इसके अलावा विपक्षी पार्टियों के तो सुपड़ा साफ ही कर देगी। प्रधानमंत्री बयान के बाद से ही अब विपक्षी पार्टियों ने भी तमाम बयानबाजी शुरू कर दी है। ट्वीट के ऊपर ट्वीट हो रहे हैं और जवाब के ऊपर सवाल आ रहे हैं। आपको बता दें कि तमाम विपक्षी पार्टियों ने मोदी पर कटाक्ष किया और कहा है प्रधानमंत्री मोदी ऐसा क्या कैसे सकते हैं। वह खुद जब मणिपुर और यूसीसी जैसे मामले पर खुल के सामने नहीं आते, खुल के बात नहीं करते, तो हमारी बैठकों को कैसे बोलते हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी विपक्षी पार्टियों की चल रही बैठक पर कूटनीति बताया है। कहा है कि ये सब मिलकर भी केंद्र का कुछ नहीं कर सकती। जनता हमारे साथ है और जनता का सपोर्ट हमें हमेशा से मिला है। जनता हमें जानती है और अपने अच्छे नेता को भली भांति पहचानती है, इसलिए वो विपक्षी पार्टियों की बैठकों से नहीं घबरा रही और कितनी भी बैठकें आप कर लें, आप सत्ता में नहीं आ सकते। इस बीच क्या कुछ कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, वह खुद ही सुनिए आप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को पोर्ट ब्लेयर के रीव सरवरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का वर्चुअली इनॉग्रेशन किया। 710 करोड़ की लागत से बनाया गया इस टर्मिनल में 1-7-10 प्ले पार्क हो सकेंगे। इसका डिजाइन शंख के आकार की संरचना जैसा है। पीएम ने यहां मौजूद लोगों को संबोधित किया। उन्होंने इस प्रोजेक्ट के फायदे गिनाए, फिर बेंगलुरु में विपक्षी दलों में हो रही बैठक पर अपनी बातें रखी। पीएम ने कहा कि बेंगलुरु में 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए 36 दल इकट्ठा हुए हैं। देश की जनता कह रही है कि ये तो एक कट्टर भ्रष्टाचारी सम्मेलन हो रहा, इसका लेबल कुछ और नहीं, प्रोडक्ट कुछ और, इसका एक ही एजेंडा है, ना खाता है ना बही, जो परिवार कहे वही सही, देश की जनता इसकी सतर्क रहे। वहीं आपको बता दें कि बेंगलुरु में हो रही 26 विपक्षी दलों की बैठक को लेकर पीएम ने कहा है कि उनकी दुकानों में भ्रष्टाचार की गारंटी है, जिससे जेल जाने वालों को खास न्योता भेजा गया है। विपक्ष का निशाना साधते हुए पीएम ने कुछ लाइनें भी पढ़ी। पीएम ने कहा ये लोग देश के लोकतंत्र और संविधान को अपना बंधक बनाना चाहते हैं। इसके लिए मैं यही कहूँगा कि नफरत है, घोटाले हैं, त्रुटिकरण में मान काले हैं, परिवाद काल की आग में दशकों से देश हवाले है। पीएम मोदी ने कहा कि आज देश की जनता ने तय कर लिया है कि हमें 2024 में वापस लाना है, इसीलिए लोग भारत की दुर्दशा के लिए जिम्मेदार हैं। उन्होंने अपनी दुकानें खोली हैं। 24 के लिए 26 होने वाले राजनीतिक दलों पर ये बड़ा फिट बैठता है। ये गाना कोई और गा रहे हैं लेकिन हकीकत कुछ और ही है। लेबल किस चीज़ का लगा रहे हैं, किसी प्रोडक्शन की और ही वजह है। इसकी दुकानों का जातिवाद जहर और ज़बरदस्त भ्रष्टाचार की गारंटी है। वहीं विपक्षी एकजुट को होकर पीएम ने कहा कि सिर्फ एक एजेंडा, परिवार बचाओ भ्रष्टाचार बढ़ाओ, इनके लिए परिवार पहले देश बाद में, ना खाता ना बही खाता, जो परिवार कहे वही सही। लोकतंत्र लोगों का द्वारा लोगों के लिए होता है, लेकिन वंशवादी राजनीतिक दलों के लिए सब कुछ परिवार है, परिवार द्वारा है, परिवार के लिए है, देश वंशवादी राजनीति आग का शिकार है। वहीं पीएम ने विपक्षी दलों के घोटाले को लेकर कहा ये जो जमानत इकट्ठी हुई है उनके नुकबे में बड़े बड़े घोटालों पर, अपराधियों पर इनकी जुबान बंद हो जाती है। जब किसी एक राज्य में इनके कुशासन की पोल खुलती है तो दूसरे राज्यों के ये लोग फौरन उसके बचाव में तर्क देने लगते हैं। पश्चिम बंगाल में हुए पंचायत चुनाव में सरेआम हिंसा हुई, लगातार खून खराबा हुआ, इस पर कोई नहीं बोला। तो सुना आपने, तो दर्शकों सुनने के बाद आप समझ गए होंगे कि आखिर पार्टी चाहती क्या है। विपक्षी पार्टी जिस तरह से तमाम बैठकें कर रही हैं, विपक्षी पार्टी को लगता है कि केंद्र से भाजपा सरकार को हटा देगी, लेकिन जिस तरह से मोदी जो है बयानबाजी कर रहे हैं और बयान दे रहे हैं, इससे जाहिर होता है कि उन्हें विपक्षी पार्टियों की गठबंधन से कोई आपत्ति नहीं है। वो अगर करते भी हैं बैठक तो इससे कहीं ना कहीं जो है भाजपा पार्टी घबरा नहीं रही है, भाजपा पार्टी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इन सबके बीच में आपका क्या कहना है कि इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में केंद्र से भाजपा पार्टी हट जाएगी? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जगह कोई नया चेहरा आएगा? क्या विपक्षी पार्टियों की बैठक जिस प्रकार से चल रही है उससे कोई जो है नेता सामने आएगा और विपक्षी पार्टियों का जो है बड़ा चेहरा बनकर केंद्र पे उभरेगा?
इन सब क्या आपकी राय है जो भी हो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट।